बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी में जब प्रवेश करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता चलता कि मेरी कोई प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही, कौन से सिम्टम है, कौन सी बातें हैं जिससे आपको पता चलता है कि वास्तव में आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ गई है, भगवान की दिव्य ऊर्जा मेरे आसपास में, तो मुझे कैसे पता चलेगा। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजय मलिक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको स्पिरिचुअलिटी के कुछ पावरफुल सिम्टम बताने जा रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबा दें। ये बहुत ही गजब का वीडियो होने वाला है क्योंकि बहुत से लोग स्पिरिचुअलिटी में जब प्रवेश करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता चलता कि मेरी कोई प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही, मैंने कोई तरक्की करी है कि नहीं करी, कौन से सिम्टम है, कौन सी बातें हैं जिससे आपको पता चलता है कि वास्तव में आपकी स्पिरिचुअलिटी पावर, आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ गई है, आप उसमें एक अच्छा लेवल आपको अचीव हो चुका है, इस बात का पता कैसे चलता है। आइए मैं आपको बहुत सारी चीजें बताता हूं। ये आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि भगवान मेरे आसपास में है, भगवान की दिव्य ऊर्जा मेरे आसपास में, तो मुझे कैसे पता चलेगा। यहां मैं वही चीजें बताने वाला हूं और वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पॉइंट नंबर 4 तो जरूर एक बार विशेष रूप से बता दूं। नंबर 1, पहली चीज आपको जो बताने जा रहा हूं वो ये कि अगर आपकी सही में आपका स्पिरिचुअल लेवल अच्छा है तो आपने पाया होगा कि अनजान कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, जानवर या पशु इत्यादि अचानक से आपके आसपास में मंडराने लगेंगे, घूमने लगेंगे। आपको कुछ ऐसा लगता है जैसे इनका आपसे गहरा कनेक्शन है, आपकी एनर्जी को ये फील कर पा रहे हैं। क्या आपने कभी इस चीज को फील करके देखा है कि ये आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये आपकी एनर्जी को फील कर पा रहे हैं, ये आपके आसपास में घूमते हैं, आपको कुछ संकेत देते हैं, आपको देखकर ये बहुत खुश होने लगते हैं। अगर आपको खुश हो रहे हैं तो डेफिनेटली समझिए कि आपकी स्पिरिचुअल पावर बढ़ चुकी है, आप कहीं ना कहीं इनकी दुनिया को प्रभावित कर पा रहे हैं, इतनी आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव है। ये सब कैसे होता है, आपने देखा होगा कि इंसान अगर घंटों पहले भी कहीं से गुजरा हो तो जो कुत्ता आदि जो अन्य एनिमल है वो इजीली उनको ढूंढ निकालते हैं, उनकी गंध से पहचान लेते हैं, मतलब उनकी वाइब्रेशन वहां पर मौजूद रहती है। तो उनकी जो वाइब्रेशन है वैसी आपकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव हो चुकी है कि कोई आपको देखकर प्रभावित हो रहा है, पॉजिटिवली प्रभावित हो रहा है। तो इसका मतलब समझिए कि आपके अंदर डेफिनेटली स्पिरिचुअल पावर आ चुके हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव है। क्या आपके साथ ऐसा होता है, अगर हाँ तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो डेफिनेटली ये आपने चेक। दूसरी बात जो चीज है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करेगी वो है चंद्रमा की गति। अगर आप डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में अच्छे हैं, आप एक सेंसिटिव पर्सन है, तो चंद्रमा की गति आपको बहुत प्रभावित करेगी। चंद्रमा की गति जैसे जैसे आप पाएंगे कि पूर्णिमा के दिन नजदीक आते जाएंगे, आपके जीवन में उत्साह बढ़ता जाएगा, आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप मतलब आपके चंद्रमा के आने से यानी पूर्णिमा की तरफ जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपके जीवन में चिंताएं बढ़ने लगे, नेगेटिविटी बढ़ने लगे, क्योंकि चंद्रमा डेफिनेटली आपको प्रभावित कर रहा है। बात समझने की ये, चंद्रमा का सीधा कनेक्शन हमारे मन से है। चंद्रमा का बढ़ना और घटना अगर आपको प्रभावित कर रहा है तो डेफिनेट बात है कि आप स्पिरिचुअलिटी में अच्छे हैं, आप सेंसिटिव हैं। क्योंकि आम सामान्य लोगों को तो पता भी नहीं चलता कब पूर्णिमा आई और कब अमावस्या आई, लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आपको जरूर पता लगने लगेगा। आपको चंद्रमा के साथ आपका मानसिक बैलेंस जो है वो कनेक्टेड रहता है, और अगर आप पा रहे हैं कि आपका ये चंद्रमा के साथ साथ आपके अंदर ऊर्जा बढ़ रही है तो डेफिनेटली आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं। या कभी कभी घटने का भी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका साइकिल चंद्रमा के साइकिल से रिवर्स भी हो जाता है। तो ऐसा इसके साथ साथ ये भी है, आपने सुना होगा कि जैसे पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से जो घटित होता है, पूर्णिमा के चांद को देखते हुए बहुत बार अंदर दिव्यता का एहसास होता है, जैसे बुद्ध पूर्णिमा, ऐसे गुरु नानक देव जी का जन्म भी पूर्णिमा के समय हुआ, उनकी अवेकनिंग भी पूर्णिमा के समय हुई, ऐसे ही जो है गुरु पूर्णिमा का दिन भी आता है। मतलब पूर्णिमा कोई सामान्य सी बात नहीं है, पूर्णिमा में बहुत कुछ घटित होता है जो बुद्धत्व के लेवल पर भी ले जाने की आपके अंदर ताकत रखता है। तो क्या आपको प्रभावित करता है, हाँ या ना, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अब तीसरी जो बात है कि अगर आप स्पिरिचुअल हैं, अगर आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी अच्छे लेवल पर आई है, तो सुबह सुबह का जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो आप सोकर नहीं बिता सकते, आपको उस समय में उठाया जाएगा, एंजल्स आपको उठाते हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भाई, अब रैन कहां जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है, इस तरीके का मैसेज आपको कहीं ना कहीं से मिलता रहता है। बार बार आपको अवेकन किया जाता है, जगाया जाता है, चाहे वो नींद अपने आप खुलती है, चाहे हड़बड़ी के कारण, चाहे आपको कोई जगाया हुआ फील होता है, चाहे कोई भी कारण रहा हो, लेकिन आपको नींद से उठाया जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी की ऊंचाई पर जाकर आप सो नहीं सकते। ब्रह्म मुहूर्त का वो समय यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाने का होता है, तो यूनिवर्स आपको बार बार याद दिलाता है कि मेरे भैया सो क्यों रहे हो, इस समय जाकर परमात्मा से कनेक्ट होने का है, जाकर आप अपनी ऊर्जा को यूनिवर्स से कनेक्ट कीजिए और ब्लेसिंग्स लीजिए। उस समय समस्त दिव्य शक्तियां वहां पर मौजूद हैं, सब आपको आशीर्वाद देने आए हैं और तुम सोए पड़े हो। इसलिए ये
ब्रह्म मुहूर्त का उठना एक सीधा सीधा संकेत है कि आप स्पिरिचुअलिटी में अच्छे हैं, आपकी साधना सफल हो रही है, तो बहुत अच्छा है, शुभ है। इसलिए सो मत जाना, अनादर मत करना। अगर आपकी आंख उठी खुल ही जाए तो फिर दोबारा नहीं सो जाना, उठकर बैठ जाना, चाहे थोड़े समय के लिए सी, लेकिन बैठना और आदर करना, परमात्मा का शुक्र मनाना कि आपको उठाया जा रहा है। वरना कितने ही लोग रात को सोते हैं, सुबह उठ ही नहीं पाते। आपको उठाया जा रहा है इसलिए क्योंकि आप अवेकन हो चुके हो, आपकी अवेकनिंग हो रही है, जागृति हो रही है, तो आप सोए नहीं रह सकते, आपको बार बार प्रयास करते हैं प्रकृति उठाने का। इसके अलावा चौथी जो बेशकीमती चीज है, पर जब आप हाई होने लगते हैं, आपको जो छोटी छोटी चीजें जो घटना जीवन में होने वाली होती है ना, ये आपको इंडिकेट करने लगती है, आपको ये पता लगने लगता है कि ये कुछ भी अपने आप नहीं हो रहा। आपको कुछ चीजों के हिंट अपने आप में लगने शुरू हो जाते हैं। आपको लगने लगता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई डिसीजन लेने वाले थे कि ये करूं, हां करूं या ना करूं, और आपकी नजर गई और किसी पक्षी के चहचहाने की आवाज आई, आपको कुछ पॉजिटिव सा फील हुआ, मतलब यहां पर हां कर देनी चाहिए। तो आप सेंसिटिव हैं, इतनी छोटी सी बात के प्रति भी आप सेंसिटिव हैं कि प्रकृति आपको संदेश देती है, तो उन संदेशों को आप पकड़ पाते हैं। अगर ऐसा है आपके साथ तो आप डेफिनेटली स्पिरिचुअलिटी में ऊंचे उठे हैं। भगवान की कृपा आपके साथ बहुत है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? छोटी छोटी चीजों से आप हिंट पा सकते हैं। आपको लगने लगता है कि ये काम करने लायक है और या ये काम करने लायक नहीं है, कि आपको ये पता चलता है? अगर हाँ, तो इस चीज को जरूर आगे बढ़ाएंगे और धन्यवाद दें परमात्मा का, इस पर और काम किया जा सकता है। इसे ही कहा जाता है इंट्यूशन पावर। पांचवें नंबर पर जो चीज है वो ये होती है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी पावर मौजूद है कि कोई व्यक्ति अगर आपके पास सोल्यूशन, कोई समस्या लेकर आ जाए, आप उसका हल जानते हो या ना जानते हो, अगर उसकी बात को आप ध्यान से सुनते हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर से ही उसका आंसर आने लगता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अंदर से ही, भीतर से ही उसका आंसर आने लगता है। बड़ा गजब का लगता है, यार मैं तो इस टॉपिक पर कुछ जानता ही नहीं था, पता नहीं कैसे मैंने जवाब दे दिया, पता नहीं कैसे ऐसा मेरे को लगा कि यार इसको यही बोलना चाहिए, और मैंने बोला और सामने वाले ने कहा वाह क्या बात है। मतलब आपको खुद हैरानी होती है कि ये तो मैंने खुद भी, मतलब मैं खुद भी इस टॉपिक के बारे में इतना नहीं जानता था, लेकिन जब बोलने लगे तो आपने पता नहीं क्या से क्या बोल डाला। तो इसके लिए जरा ध्यान से, अगर आपको आपको इस तरीके से आपके साथ भी होता है क्या कि आप किसी व्यक्ति के सामने उसकी प्रॉब्लम का सटीक सोल्यूशन बता देते हैं और बाद में आपको खुद को भी हैरानी होती है, मुझे नहीं पता कि घटना कैसे घटी। जो छठी चीज अगर मैं कहूं तो वो क्या क्या चीज होती है जो जीवन में घटती है, वो चीज है लोगों के दर्द को फील कर पाना। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में अच्छे हैं और आपकी तरक्की हुई है तो आप लोगों के प्रति बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, आप लोगों के दुख दर्द को बिल्कुल वैसा ही फील करने लगते हैं जैसा उनको हो रहा है। तो ये भी कोई सामान्य घटना नहीं है कि आपके साथ ऐसा घटित होता है। अगर हाँ तो बिंगो, बहुत बहुत धन्यवाद के लायक हैं आप, नमस्कार के लायक हैं आप। ऐसी नहीं है घटना घट जाती कि आपको दूसरों की चीजों का, दूसरों का दर्द आपको फील होने लगता है। इसका मतलब यह है कि सामने वाले को जो प्रॉब्लम होती है वो कहीं ना कहीं आपको अंदर तक अनुभव होने लगते हैं। जैसा ऐसा फील होता है कि आप सिर्फ इतने से नहीं है जितना आपका शरीर है, आप अपने से बियॉन्ड हैं। सामने वाले के अंदर भी कहीं ना कहीं आप ही समाए हैं, आपका ही माइंड जो है उनके हृदय से भी कनेक्टेड है। तो दूसरे के दर्द को, दूसरे की तकलीफों को आप बहुत हद तक फील कर पाते हो। अब इसके उल्टे लोग भी हैं जिनको अपनी चीजें भी दर्द, अपना दर्द भी ढंग से फील नहीं होता, दूसरों की तकलीफ तो वो क्या पहचान पाएंगे। और एक आप जैसे लोग हैं जो दूर बैठे दूर के दूसरे लोगों को की भी तकलीफों को झेल पाते हैं, अपने अंदर फील कर पाते हैं, तो डेफिनेटली समझिए कि परमात्मा की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। इसके अलावा नंबर 7 मैं बोल रहा हूं, छोटी छोटी ऊर्जाओं के प्रति आप सेंसिटिव हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि आपको नेगेटिव चीजें बहुत प्रभावित करने लगती हैं, ये भी आपके साथ होने लगता है। मतलब कि नकारात्मक ऊर्जाएं का, पहले तो जैसे सामान्य इंसान को तो पता नहीं चलता कि मेरे आसपास में कोई ऊर्जा मौजूद है, कोई नेगेटिविटी, कोई ऐसी पावर, कोई आत्मा आत्मा कुछ मौजूद है, सामान्य लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन आपको पता लगने लगता है कि कुछ है, कुछ हो रहा है मेरे आसपास में, कुछ ऊर्जा है मौजूद है, कुछ अच्छी या कोई बुरी, पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी, कहीं ना कहीं वो मौजूद है। न केवल अपने आसपास में फील होती बल्कि दूसरों के ऑरा भी आपको दिखाई देने लगते हैं, दूसरों की ऊर्जा भी आपको फील होने लगती है। और आपको अगर ये चीज आपके साथ हो रही है तो जरूर कमेंट करके बोलिए कि आपके साथ भी ऐसा है, होता है आपके साथ? और होता है, अच्छे स्पिरिचुअल लोगों के साथ ये डेफिनेटली होता है कि उनको दूसरों की एनर्जी भी फील होती है और नेगेटिविटी का भी प्रभाव उनके ऊपर सामान्य से ज्यादा पड़ता है। अगर है तो डेफिनेट बात है कि आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी है, आपके अंदर पॉजिटिविटी बड़ी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने जरूर कहीं ना कहीं इन सारी बातों को फील किया और कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर की घटनाओं का इंडिकेशन भी अभी पहले से मिलने लगता है। अगर आपको ये अनुभव होता है कि फ्यूचर की घटनाएं भी कभी कभी आपको सपनों के माध्यम से या विजन्स के माध्यम से या अन्य किसी तरीके से भी आपके सामने आती रहती हैं, अगर आती हैं तो यकीन मानिए आपके स्पिरिचुअल लेवल बहुत अच्छा है,
आप उनको इंटरप्रेट करें अकॉर्डिंगली, लोगों को कुछ ज्ञान दें या ना दें, वो अगला स्टेप है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो यकीन मानिए कि आपके अंदर डेफिनेटली आपकी उस सेंसिटिविटी अच्छी है, तो आपकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हुई है। ये सब बातें आपको बताती हैं, अब और तरक्की करें और आगे बढ़ें। मैं उम्मीद करता हूं जो कुछ भी मैंने बताया है आपने जरूर इनको अपने अंदर तक फील किया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो और लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं लग पाता कि मेरी प्रोग्रेस कितनी है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, जरूर कनेक्टेड रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।